ತುಶಬ್ದ ಸತೋ ವಿಶೇಷಣಾರ್ಧ ತದ್ವಿಧಿ ವಿಜಾನೀಹಿ ಕಿಂ ಏಳು ಸನುಮಿದಂ ಜಗತ್ತಥಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸದಾಕ್ಯನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಕಾಶಂ ಆಕಾಶೇನ ಇವ ಘಟಾದಯ ಯಾತಕವಾದ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯ ಜಗತ್ ಏನ ತಥಂ ಜಿಸ್ಕೆ ದ್ವರ ತಥಮನೆ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೇ ಕಿಸೆ ಸದಾಕ್ಯನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸತ್ ನಾಮಕ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೆ ಆರ್ ಯ ಸಾರಾ ಜಗತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂರ್ಣೇನ ಸ ಆಕಾಶಂ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶನ ಸಹಿತಿ ಸಾಕಾಶಂ ಆಕಾಶ ಸಹಿತ ಸಬ್ಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಕಾಶ ಕೋವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಕಾಶವೇ ಜಾದಾ ವ್ಯಾಪಕ ಹಿಂಗೆ ನಿಯಮ ಏನ ಜೋ ಭಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹೋತಾ ಹೇ ಕೈಸ ಹೋತಾ ಹೇ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ ವ್ಯಾಪಕ ಹಮೇಶ ವ್ಯಾಪ್ಯಕೋ ವ್ಯಾಪ್ತ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೇ ಕ್ಯೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಕಾಶ ಕೋ ಭಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಹೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಆಕಾಶ ಭಿ ಜ್ಯಾದಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ जो सूक्ष्म होता है वही दूसरे को व्याप्त कर लेता है आकाश ने इन सबको व्याप्त किया क्यों इन सब स्थूल की अपेक्षा से आकाश सूक्ष्म है इसलिए आकाश इन स्थूलों को व्याप्त कर लिया है और आकाश को भी व्याप्त करने वाला वो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म होगा ही न्याय लागू हो जाता है इसलिए दृष्टांत में किसको बनाया तथा आकाश ने व घटा दे जैसे कि देखो आकाश के द्वारा घटादि को व्याप्त कर लिया जाता है वैसे आकाश सहित इस संपूर्ण जगत को उस सत आत्म ब्रह्म के द्वारा व्याप्त कर लिया गया है विनाशम अदर्शनम अभावम अव्ययस्य न वेति उपचयापचय न यातीति अव्ययम् इसलिए विनाश से क्या लेना यहां विनाशम माने अदर्शनम अभावम उत्तरार्ध में ना विनाशमव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति विनाश नहीं कर सकता का तात्पर्य क्या उसका आदर्शन कोई नहीं कर सकता या उसके अभाव कोई नहीं कर सकता कोई चाहे हम सूर्य को जैसे ढक दे उसे आत्मा को ढक लें वास्तव में आत्मा कोई ढक नहीं सकता कहा जाता है माया और अविद्या ने आत्मा को ढक लिया है ना यथा उल्बेन आवृतो कहा कि नहीं कहा उसी प्रकार से आवरण मान लिया जाता है इन वास्तव में आत्मा का आवरण अविद्या भी नहीं कर सकती है यावत काल पर्यंत आप आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तावत कालयंत झूठी मान लिया जाता है कि अज्ञान नाम का कोई चीज है माया नाम का कोई चीज है उसने आत्मा का आवरण कर लिया है इन वास्तव में आत्मा ही नहीं है अज्ञान नहीं तो आवरण कौन करेगा है क्या माया नाम का कोई वस्तु अज्ञान नाम का कोई वस्तु है ही नहीं ऐसा देख कमे अद्वितीय दूसरे का अति जो है ही नहीं आवरण कहाँ से करेगा वो इसलिए ये व्यवहार के लिए समझाने के लिए कहा जाता है आत्मा को अविद्या ने आवृत कर लिया जैसे भी आपने जो ईशा से सुन रहे थे आत्मा को अविद्या ने अविद्या विदोष के द्वारा तिरस्कार कर दिया गया है हनन कर दिया गया है तिरस्कार और हनन का मतलब क्या उसकी जो अकर्तृत्व भोक्तृत्व आदि गुण ग्रहण करता हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व ग्रहण करना आवृत करना ऐसे कहा जाता है यावत काल पर्यंत बंधन प्रतीति है तावत काल पर्यंत यह कल्पना की गई कि माया नाम की कोई चीज है और उसने आत्मा को ढक लिया है इसलिए सारा जगत पैदा हो गया इन वास्तव में जगत पैदा हुआ है ना माया है ना कुछ है अजातवाद मुख्य वेदांत दृष्टिया ना माया है ना जगत उत्पन्न हुआ है इसलिए कदा दर्शनम अभावम अव्यस्य अव्यस्य कर दिया न वेति उपचया पचयो न याति इति अव्ययम् जो व्यय को प्राप्त नहीं होता का मतलब क्या उपचय और अपचय को प्राप्त नहीं होता उसका नाम अव्यय तस्य उसका अव्ययस्य नहीं तत् सदात्यम ब्रह्म स्वयं रूपेण वेत्ति व्यभिचरति निरवयवतात् देहादिवत् क्योंकि यह जो सप्त नामक ब्रह्म है वह अपने स्वरूप से कभी व्यय को प्राप्त नहीं होता नहीं तद्वेति अर्थात नहीं तद्व्यभिचरति क्यों निरवयवत्वात् साफ हेतु है निरवय होने से देहादि के समान यह व्यय को प्राप्त नहीं होता व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता क्यों यह निरवय होने से नापि आत्मीयेन आत्मीय भावात् और आत्म संबंधी कोई दूसरे के कारण से हो जाएगा ऐसा भी नहीं हो सकता क्यों आत्मीय अभाव कोई आत्मीय ही दूसरा है ही नहीं आत्म संबंधी दूसरा नहीं है
यथा देवदत्तो धनहान्या वेति न तो एवं ब्रह्म वेति। जैसे देवदत्त है स्व संबंधित धन का हानि हो जाए, वो जो मैं मारा गया, मेरा धन लुट गया, मैं ये हो गया वो हो गया रोता है। वैसे आत्म संबंधित कोई चीज है ही नहीं जिसका व्यय हो और आत्म दुखी हो। न तो एवं ब्रह्म वेति अतो अवेश्यस्य ब्रह्मणो विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्ति न कश्चित आत्म विनाशी तुम शक्नोति ईश्वरोपि। इसलिए इस ब्रह्म का अपेक मने इस ब्रह्म का विनाश न कश्चित कर्तुम अर्ति कोई व्यक्ति से कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि न कश्चित आत्म विनाशी तुम शक्नोति ईश्वर भी, चाहे ईश्वर भी क्यों ना हो, सर्वसमर्थ भी क्यों ना हो, तो भी इस आत्मा का विनाश कोई करने में समर्थ नहीं हो सकता। आत्मा ही ब्रह्म, आत्म ही क्या है, वास्तव में ब्रह्म है। स्वात्म निच और स्वात्मा में क्रियाकार का व्यवहार होता ही नहीं है। से क्रिया विरोधा, क्रिया ही का विरोध होने से विनाश भी क्रिया है। कदम करना, हिंसा करना, दौड़ना फोड़ना, कोई भी चीज है, सारी क्रियाएं हैं। क्रिया का ही विरोध है वहां, अक्रिय स्वरूप में कोई क्रिया हो नहीं सकती है। इसलिए अकर्मणिच कर्म यह पश्चेत कर्मणिच कर्म यह, ये भाष्य सामान्य हो गया। भाष्यकार ने जो हमने बताया था पहले, छह प्रकार से विनाश माना जाता है, स्वतः परतः, उसमें से देखो भाष्यकार संकेत तो कर दिया, स्वेन रूपेण न वेति माने स्वतः वे नहीं होता, और आत्मीय ने कहा करके परतक सब को इकट्ठा ले लिया, क्योंकि परतक ही व्याख्या और चार है, स्वतः और परत दो ही है वास्तव में। और परत के विस्तार से समझाने के लिए क्या कहते हैं, आश्रय नाशात नाश, संबंधी नाशात नाश, कारण नाशात नाश, कार्य नाशात नाश, ये चार जो है परत का ही व्याख्या है। अतएव छह कह दिया जाता है, इन वास्तव में दो ही है, स्वतः और परत। वो परत के अंतर्गत बाकी सब आ गया कि स्व से भिन्न क्या है, आश्रय भी स्व से भिन्न है, संबंध भी स्व से भिन्न है, कारण भी स्व से भिन्न है, कार्य भी स्व से भिन्न है, परत कोटि के अंतर्गत तो सब आ जाएगा। अतएव भाष्यकार स्वतः और परत दो तरह से निषेध कर दिया, उसी समय समझ लेना है कि अन्य चार भी निषेध हो गया। उनमें भी हेतुओं को समझना, स्वतः नाश नहीं होता अन्नादि के समान, उस हेतु क्या दे दिया, निरवयवत्ता, और परतः नाश नहीं होता घटादि के समान, क्योंकि जो पर जो विनाशक है उसका भी वो आत्मा है, तस्यापि आत्मत्वात्, ये समझना, क्योंकि उसका भी वो आत्मा है जो नाश करना चाह रहा है इस आत्मा को, उस नाश करने वाले का भी आत्मा वो है, यानी इसलिए उसका खुद का नाश नहीं हो सकता, वो भी नहीं हुआ। आश्रय नाशत कहना चाहो तो उसका कोई आश्रय नहीं, नौकादि के समान आश्रय नाश से नाश भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई आश्रय नहीं। जब पूछा नारद जी ने समत कुमार से, महाराज ये भूमा कहाँ रहती है, स्वे महिमनी अपने महिमा में रहता है, वो किसी में आश्रित नहीं। जब उसका आश्रय ही नहीं है तो आश्रय नाश का नाश कहाँ से होगा, ये श्रुति प्रमाण है, उसका कोई आश्रय ही नहीं है, अतएव आश्रय नाशात विनाश हो सकता है, स्वे महिमनी। और संबंधी नाशात ये भी नहीं कह सकते आप, चकवा चकवी आदि पक्षियों का दृष्टांत हम लोग देते हैं, एक संबंधी का नाश हो जाता है पर संबंधी भी नष्ट हो जाता है, ये भी आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि निरवयत्वादेव संबंध कहाँ होता है, दो सावय पदार्थों का ही संबंध होता है, निरवयत्वात हेतु के द्वारा संबंधी का नाश से आत्मा का नाश का निषेध हो गया। कारण नाशात कहो ये भी नहीं हो सकता, ये श्रुति कहती नचास्य कश्चित जनिता इति श्रुते, नचास्य कश्चित जनिता श्वेता श्रुत, इसका कोई जनिता जनक नहीं है। और अंत में कार्य नाशात कहोगे न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, ये भी श्वेता श्रुत परिषद है, उसका न कार्य है न कोई करण है, अतएव कार्य नाशात विनाश नहीं हो सकता है। इस तरह से सभी प्रकार के नाश का श्रुति प्रमाण से काटा जाता है, दो जगह पर निर्वयत्वात हेतु है और एक में तस्यापि आत्मत्वात, बाकी तीनों में श्रुति प्रमाण है। येन सर्वमिदं ततम में जो दृष्टांत आपको समझना है, जैसा भी ईशावास्य परिषद का ही है, ईशावास्यमिदं सर्वम येन सर्वमिदं ततम, इसको समझाते हुए भी क्या कहा था, तदुअंतरस्य सर्वस्य तदुअस्य सर्वस्य बाह्यतः, उसकी व्याख्या है, कैसी व्याप्ति है वो,
अंदर बाहर सर्वत्र वही व्यापक हो रखा है। एक होता है प्रकाश अपने छोड़ा, वो आपको ऊपर से ढक लिया, भीतर थोड़ा घुसेगा, मुंह खोलोगे तो इतनी दूर तक जाएगा, थोड़ा पूरा अंदर घुसेगा क्या प्रकाश? लेकिन भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्ति का दृष्टांत क्या होगा? यही सूर्य प्रकाश जल में लेना, जल से बाहर भी इसे भी व्याप्त है, जल का भीतर भी प्रकाश चला जाता है। यथा जले मरीच्या अंतर बहिश्च व्याप्ति ही तद्वत देना, जल के अंदर भी घुस जाता है सूर्य के किरण, सूर्य का प्रकाश, तभी तो सूर्य के प्रकाश में जल के अंदर जो पत्थर है कुछ भी दिखाई देता है ना नीचे, क्यों दिखाई दे रहा है? प्रकाश वहां तक गया है, तो जल का भीतर भी प्रकाश घुसा और जल के बाहर तो प्रकाश व्याप्त है ही है, इसको लेना है दृष्टांत में। क्यों? हेतु क्या दोगे? सर्वावभाषक सर्व साक्षित्व, अच्छा, क्योंकि सर्व का उभाषक है और सर्व का साक्षी भी है, अतः भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त होता है। इसलिए यह सर्विदम तथम की भाष्यकार ने भी यहां पर क्या लिया था? भीतर बाहर सब तरफ ले लिया, भीतर बाहर सर्व को है ना, आकाश आकाशम कह दिया भाष्यकार ने पहले ही। अब इसकी थोड़ी सी टीका में, क्योंकि ये सब तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, कारण शरीर में अविद्या से भिन्न सत्य सत सदैव असद असदैव सद असद का मिश्रण असंभव है, भ्रांति प्रज्ञा माना जाता है, अध्यास सत्य सत्य सत्यानृतम मिथुनी कृत्य, ये जो कहा जाता है वो आध्यासिक है, वास्तव में सत्य नृत्य का मिथुनी भाव असंभव है, सत सदैव असद असदैव। तब प्रश्न उठा वह सत सदैव असद क्या है, उसकी व्याख्या हो रही है, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। और फिर पूछेंगे फिर असत क्या है, जो असद ही रह जाता है सदा व्यभिचारी कौन है वो, अगला श्लोक में असत की व्याख्या कर देंगे। तब कारण शरीर का पूर्ण व्याख्या, कारण शरीर से भिन्नत्व आत्मा का स्वरूप की सिद्धि सम्यक हो जाता है, कि आत्मा कारण शरीर से भिन्न जो है वह सद्रूप है, उसका स्वरूप श्लोक में, और आत्मा कारण शरीर से जो भिन्न होने के नाते कारण शरीर का आधारभूत तत्व अविद्या जो असत्य है उसका स्वरूप अगले शरण अंतवंत इमे देहा, असत स्वरूप का वर्णन कर देंगे। जब सत्य को सब समझ में आ गया, असत स्वरूप की समझ में आ गया, अपने आप आपको वास्तविक आत्मस्वरूप को श्रुत्रय से भिन्न सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अंतवंत इमे देहा मने त्रिण शरीरानी, तीनों शरीरों से आप अंतवान है, उससे भिन्न आप सिद्ध हो जाएगा, उसके साथ अन्वय आगे में कर लेंगे। अब यहाँ पर दो चार श्रुतियां जो दी है नीलकंठी ने बड़ा सुंदर दिया है, देखिए उस चीज को, अजायमानो बहुधा विजायते जाते न जायते कौन वेनं जनयेत पुनः, अजायमान जन्माक्य विकार अल्भमानोपि विजायते वेदादि रूपेण आविर्भवति, वास्तव में जन्माक्य विकार को न प्राप्त करता हुआ इस आत्मा से कहा जाता है वेदादि रूपेण आविर्भाव हो गया, तथा लोक दृष्टिया जातो घटादि परमार्थ दृष्टिया न जायते, इसी प्रकार घटाद भी क्या लोक दृष्टि से उत्पन्न हुआ है, वास्तव में तो मृत गायत्री वो सत्यम परिणामी उपादान से अभाव, क्योंकि कोई परिणामी उपादान कारण ही नहीं, हमारे यहाँ जो उपादान कारण है वो भी आत्मा उपादान कारण माना जाता है, वो विवर्त उपादान है। मृदादेश तो स्वयं स्वप्न मृदादि व तुच्छत्व, कि जो मृदादि है वो भी स्वप्न मृदादि के समान तुच्छ ही है, अतः एनम घटादिम कौन जनयेत, इस घटादि को कौन पैदा कर सकता है, घटादि को ही कोई नहीं पैदा कर सकता, संसार को कहां से पैदा कोई कर सकता, कुतस्तर भाषित चेत, कोई पूछे कैसे भाषित होता है, रज्जु रगादि में देखी रज्जु में जैसा भाषित होता है, जो उत्पन्न हुए बिना ही भाषित हो रहा है, तथा घट में उत्पन्न हुए बिना मृतिका में घट भाषित होता है, यह आपकी अपनी भ्रांति है। दत्तोत्तर में तत्व यह जवाब पहले दे चुके हम, तथा एक और श्रुति है, तथा प्राणावय सत्यम तेषाम एष सत्यम छांदोग्य में तस्य भाषसम इदं विभाति इति, सतः सत्यत्वेन प्राणोपलक्षितस्य प्रपंचस्य, सतः सत्यत्वेन सत्य के सत्यत्व के वजह से ही प्राण से अपने संपूर्ण जो प्रपंच है उसमें भी सत्यत्व आ गया, नहीं तो प्राण में इस प्रपंच में सत्यत्व नहीं हो सकता था। सतो भानमेव प्रपंचस्य भानम, सत्य का भान पूर्वक ही इस प्रपंच का भान होता है। ही तो विचित्रता है, लेकिन देखिए बड़ा आश्चर्य होता है, विना सत का भान हुए प्रपंच का भान नहीं हो सकता,
बिना अधिष्ठान का भान हुए अधिष्ठ सूत्र को कोई भान नहीं कर सकता, बिना पर्दे का भान हुए आपको भी उस विद्यमान चित्र का भान नहीं हो सकता। यह ना आश्चर्य है, किसको पर्दे का ज्ञान ही नहीं होता है, केवल चित्र ज्ञान हो जाता है। किसको अधिष्ठान का ज्ञान ही नहीं होता है, केवल प्रपंच का ज्ञान हो रहा है। हर जगह ये हाल है। इसी तरह का वीणा को ग्रहण किए ना, वीणा का आवाज ग्रहण नहीं कर सकते, छांद में आया था मृतिक दृष्टान दिया ना, वीणा तो वीणा वादन को लेकर दृष्टान दिया, और धुंधुबी वादन को लेकर के भी दृष्टान दिया, धुंधुबी को मारोगे आप तो धुंधुबी ग्रहण है नहीं, वह शब्दान ग्रहणा थी। लेकिन आदमी को शब्द ग्रहण होता है, धुंधुबी को कौन ग्रहण कर रहा है। सर्वत्र ऐसा हो गया है, अविद्या की महिमा है ये। हम लोग चित्र में नाच रहे हैं, चित्र के पीछे पड़े हुए हैं, अधिष्ठान को कोई देखता नहीं, अधिष्ठान पर ध्यान ही नहीं किसी। इसे कहते कि देखो सतो भानमे प्रपंच से भानमिति तथा तो प्रपंच कहते सत्ता स्फूर्ति सता सत्य प्रमाण विचरता। इसे प्रपंच में विद्यमान जो सत्ता रूपी स्फूर्ति जो आपको अनुभव हो रहा है वह सत का सत्य में प्रमाण है। अन्य न सौम्य शृंगे न आप मूलम मन विच्छ अद्भि सौम्य शृंगे न तेजो मूलम मन विच्छ तेजसा सौम्य न शृंगे न सन्मूलम मन विच्छ सन्मूला सौम्यमा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा छठा अध्याय छांदोग्य। अन्य न स्वामी शृंगे न अपो मूल मन विच्छ अन्न रूपी अंकुर को देखता हुआ उसका बीजात्मक जल को ग्रहण करो, मूल को धारण ग्रहण करो, और जल रूपी अंकुर के द्वारा उसका मूल रूपा तेज रूपी कारण को पकड़ो, और तेज रूपी अंकुर के द्वारा उसका मूल जो कारण होता सबको ग्रहण करो। सन्मूला सुमा प्रजा अदे सारे प्रजा सन्मूल ही हैं, सद आयतन वाले हैं, सत में प्रतिष्ठित हैं। इनसे सबसे पता है जगत उपादानत्वम कार्लिंगेन दृढ़ेति, जगत के उपादान कारण आत्मा है कार्लिंग के द्वारा भी दृढ़ कर दिया गया है। अतएव वह सत अविनाशित्व च विनाशित्व भावात, विनाशित्व का न होने कारण से उस अविनाशित्व को स्थापित करने के लिए इस श्लोक में कहा गया न व्येति ना पक्षीयते इति अभ्यम। द्वितीयाद्वैत भयम् इति श्रुतिः है, और द्वितीय से ही भय होता है ये श्रुति भी कहती है। याद देखिए मधुसूद नहीं कोर पृष्ठ में जो हम बोल रहे थे ना, इनमें दिए विनाश देश तक काल तो वस्तु परिच्छेद सो अस्य अस्ति इति विनाशी मध्यवर्ती प्रत्यय कर दिया, सो अस्य अस्ति पृष्ठ 60 में मधुसूद नहीं चौथा पंक्ति स्वस्य स्थिति विनाशी परिच्छिन्नम इत्यर्थ। स्वस्य अस्थि करके उन्होंने जो है भाष्य विरुद्ध में मत्वर्थीय प्रत्यय कर दिया है। तद विलक्षण विनाशी सर्व प्रकार परिच्छेद शून्यम तू एव, तू एव अर्थ में भाष्यकार ने भी कहा, भी कहते तू एव इतर व्यावर्तन करने के लिए है। तत् सदरूपम स्मरणम तुम विद्धि जानी ही थी, ये आपको संकेत करना था। इन्होंने ठनौ लिया और भाष्यकार ने निपृत्य लिया है अविनाशी में नविष्टम शील अस्य, ये भाष्यकार ने कहा था। और उन्हें कहते हैं विनाशो न विदते सो अस्य स्थिति विनाशी। और इसका कारण क्या है इनका लेने के पीछे, वही तो कह नहीं रहे ये मैं मत्वर्ती अर्थ क्यों कर रहा हूं, मनुष्यकार स्वयं व्याख्या नहीं कर रहे हैं, और इसकी आलोचना करने वाले भी कोई ऐसा नहीं है विषय जो कहें कि मध्यवर्ती लेना उचित नहीं है, है ऐसा कोई खंडन भी नहीं कर रहा साक्षात संभव नहीं उत्तरवर्ती टीकाकार भी। लेकिन समझना है सो अस्य अस्थि करने पर क्या होता है, वो आज तक स्वरूप कथन नहीं हुआ। अस्य हमेशा संबंधी वाचक है षष्ठी है, और तच्छील अर्थ में हो जाए तो स्वरूप हो गया स्वभाव हो गया, आत्मा का स्वरूप है अविनाशिता। स्वस्य न विनाशम अस्य स्थिति विनाशी, न अवे न अविनाशिति अविनाशी बनाना चाह रहे हैं, अर्थात विनाश संबंधा भाव को कथन करना चाहते हैं। लेकिन तत्संबंधित या जो ग्रहण किया जाता है वह उचित नहीं होता है, क्योंकि हमें स्वरूप कथन करना है, सत का स्वरूप कथन करने जा रहा हूं, सत संबंधी का कथन या संबंधी द्वारा उसका विनाशा भाव कथन करना हम नहीं चाहते हैं केवल। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ विनष्टुम शीलम ताच्छिल अर्थ लिया, स्वस्य करके संबंध अर्थ में षष्ठी को लेकर के मध्यवर्ती प्रत्यय नहीं किया है, यह समझना है।
और ये तो क्या इतना ही कभी विद्वान को अपने आप समझना पड़ेगा भाई क्या है बोल रहा है क्यों बोल रहा है। जैसे भाषा दीपिकाकार कुछ ज्यादा न कहते हुए संकेत कर छोड़ देते हैं, स्पूर्ण रूप है आत्मा, ये सत्य है वो स्पूर्ण रूप है, बात साबित कर दिया। इस विषय में थोड़ा नीचे मसूनी अगला प्रश्न भी देखो निचले हिस्सों में, अज्ञान आवृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जंतवः इत्यत्र एतेन विभुत्वं सिद्धम्। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः ये कहा है। घटादि जड़त्व से अज्ञातत्व तद्भान और अनुपत्य है, स्वर्णम च अज्ञातम स्वाध्यस्थिर नैव अज्ञानिति स्वयमेव भगवान वक्षति। घटादि जड़त्व जड़ होने से अज्ञात है और उनका जो अज्ञातत्व तद्भान और अनुपत्य उसके अज्ञातत्व और तद्भान दोनों उत्पन्न नहीं हो सकता। स्वर्ण च अज्ञातम और स्वर्ण भी घट ज्ञान से पूर्व क्या है, घट स्फुरण भी अज्ञात ही है। स्वाध्यस्ते नैव अज्ञानिना स्वाध्यस्त अज्ञान के द्वारा स्फुरण भी अज्ञात हो जाता है, इसलिए भगवान ने कहा है अज्ञानिना आवृतम ज्ञानम। यह कौन से ज्ञान को लेना, स्वरूप ज्ञान को नहीं, इसे स्वाध्यस्ते नैव अज्ञानिना स्व में अध्यस्त अज्ञान के द्वारा घटादि स्फुरण रूप ज्ञान क्या हो गया, आवृत हो जाता है, ऐसा अर्थ लेना। इससे उसका विभुत्व नष्ट नहीं होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अज्ञान एक परिच्छिन्न वस्तु है, एक तरह से कल्पित परिच्छिन्न वस्तु है और उससे आवृत हो गया, मैंने जिसको आवरण कर रहा है वो उससे थोड़ा बड़ा ही होगा लेकिन अपरिच्छिन्न तो नहीं माना जाएगा ना, यह आपत्ति होगी। इसलिए विभुत्व को भंग न होवे यह जान बुझे स्व अध्यस्त अज्ञान के द्वारा स्व विशेष पूर्णात्मक ज्ञान मात्र का आवरण होता है। घट भी क्या है, घट ज्ञान एक तरह से क्या है, घटावच्छिन्न चैतन्य, घटावच्छिन्न चैतन्य को घट अधिष्ठान चैतन्य में अध्यस्त अज्ञान आवरण कर देता है। घट कहाँ है, चैतन्य में है, ब्रह्म कल्पित है ना, तो चैतन्य में कल्पित घट अर्थात चैतन्य अधिष्ठित घट है और वह घटावच्छिन्न चैतन्य भी एक है जो कि अधिष्ठान से भिन्न औपाधिक चैतन्य है। निरुपाधिक चैतन्य में कल्पित घट का सोपाधिक चैतन्य हो गया घटावचन चैतन्य, उस घटावचन चैतन्य को अज्ञान आवरण कर सकता है केवल, अधिष्ठान भूता निरुपाधिक चैतन्य का आवरण नहीं करता। वही समझा रहे स्व अध्यस्ते नैव अज्ञानेन घट स्फुरणम माने घटावचन चैतन्यम आवृतम न तो स्वरूप चैतन्यम। इसलिए अधिष्ठान चैतन्य में अध्यस्त अज्ञान के द्वारा घटावचन चैतन्य को क्या हो जाता है, आवरण कर दिया गया यावत काल पर्यंत, तब तक आपको घट का भान नहीं होगा और घट का अज्ञान आप कह देते हो। और जब वह आवरण को भंग करेंगे चित्तवृत्ति के द्वारा तब क्या होगा, कौन भंग हुआ, स्वरूप ने अध्यस्त अज्ञान जो आवरण कर रहा था उतना मात्र, अतएव घट का भान हुआ, घट अधिष्ठान चैतन्य का भान नहीं हुआ। घटावचिन चैतन्य का भान हुआ लेकिन घटाधिष्ठि चैतन्य का भान नहीं होता। सोपाधिक चैतन्य का ही हमें अनुभव होता है, निरुपाधिक चैतन्य का अनुभव नहीं होता। ज्ञानी नावृत ज्ञान तेन वयंती जंतवर एतर विभुत्व सिद्धम तथा श्रुति महद्भूतम अनंतम अपार विज्ञान घन एव इति सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इति ज्ञान से महत्व अनंतत्व च दर्शयति। ज्ञान के महत्व और अनंतत्व को भी श्रुति दर्शाती है। तथा च श्रुति महत्व मैंने स्वाध्यस्त सर्वसंबंधित्व, महत्व परिमाण क्या है यहाँ, स्व में अध्यस्त अनंत ब्रह्मांड के साथ सभी के साथ में उसका संबंध होने का नाम ही जो है महत्व। और अनंतत्व क्या है, त्रिविध परिच्छेद शून्यत्व अंतरहित, अंत कौन कौन है, त्रिविध परिच्छेद होना ही अंतत्व है और त्रिविध परिच्छेद शून्यता का नाम अनंतत्व इति विवेक एतेन शून्यवाद भी प्रत्युक्त निष्ठान भ्रम अयोगाद कि निर्दिष्ठान भ्रम हो ही नहीं सकता। निरवधि बाध अयोगाच और निरवधिक बाध भी होता नहीं है, कोई भी बाध हो सावधिक होता ही है, कोई ना कोई बाध अपने सर्प का बाध दिया कहाँ बाधा पूछा जाएगा, अगर रज्जु में रज्जु दर्शनात् सर्व का बाद हुआ मैंने रज्जु अवधिक
ज्ञान से सर्व का बाध होता है, माने कोई भी बाध हो निरवधिक बाध नहीं हो सकता। यदि आत्मा का भी बाध कर देंगे शून्यवादी के समान, एक शरीर विज्ञानवादी के समान, फिर तो वो किस अवधि में बाध हो रहा है? कहाँ आपने किस चीज का दर्शन करके आत्मा का बाध किया है? पूछा जाएगा ना, सावधिक ही बाध होता है। अतः जो भी बाध कहोगे उसका अवधि पूछी जाएगी, जिसका ज्ञान होने पर आपने वस्तु का बाध किया है, अतएव आत्मा का बाध नहीं हो सकता। तथा च श्रुति पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति सर्वबाधा अवधि पुरुषम परिशिनष्टि, परिशेष कर दिया गया सकल बाधाओं का अवधि ये पुरुष है, इसे पुरुषात् न परं किंचित, इससे पर और कुछ नहीं है, यही काष्ठा है, यही परागति है, अर्थ सकल बाधाओं का, सकल बाधों का अवधि पुरुष ही है। उक्तंच भाष्यकारी सर्वं विनश्यत् वस्तुजातं पुरुषांत विनश्यति, पुरुष विनाश हेतु भावात् न विनश्यति इति। इसलिए भाष्यकार कहेंगे कि सकल वस्तु विनाश को प्राप्त होता हुआ क्या होता है? पुरुष रूपी अंत अधिष्ठान को ही वो प्राप्त कर जाते हैं, पुरुषांतम विनश्यति, पुरुष विनाश हेतु भावात् न विनश्यति, और पुरुष विनाश के हेतु के कारण न दिखने से कभी उसका विनाश नहीं होता। इस प्रकार क्षणिकवाद का भी खंडन हो गया। अबाधित प्रतिविज्ञानाद अन्य दृष्ट अन्य स्मरणादि अनुपत्तेश्च, यदि आत्मा का विवाद करने लग जाओ तो अबाधित का प्रतिविज्ञा का अभाव हो जाएगा और अन्य दृष्टि के द्वारा अन्य का स्मरण की आपत्ति भी हो जाएगी शरीर विज्ञान में। तस्मात एकस्य सर्वान्यस्यूतस्य स्वप्रकाश स्फुरण रूपस्य सतः सर्व प्रकार परिच्छेद शून्यता उपन्नम नाभविदिते सत इति। इसलिए निर्णय हुआ एकमेव द्वितीय सर्वानुस्यूत स्वप्रकाश स्मरण रूप चैतन्यात्मक रूप सत का सर्व प्रकार परिच्छेद शून्यता यह स्वीकार करना पड़ेगा, उपन्न हो गया, अद नाभविदिते सत। इसका व्याख्या इस श्लोक से समाप्त हुआ। न भावो विद्यते असत, असत का भाव नहीं होता, उसकी व्याख्या अगले श्लोक से शुरू होगा। उसके लिए यह अवतरण का देते हुए कार्य देखिए, किम पुनः असत इति आकांक्षायां यत् स्वात्म सत्ताम व्यभिचरति इत्युच्यते। भाष्य में कहा किम पुनः असत, वह असत क्या चीज है जिससे जिसका कभी भाव होता नहीं कह रहे हो? यह स्वात्म सत्ता व्यभिचरति, जो अपनी सत्ता का व्यभिचार सदा करता है, ऐसा असत वस्तु क्या है? कदे तीनों शरीर ही असत वस्तु है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्ध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत ये सब अंत वाले ज्ञान के द्वारा बाधो विनाश विदित ये शांते अंतवंत। अंत माने विनाश, वान कैसे विनाशवान है? ज्ञान के द्वारा बाध रूपी विनाश वाले, वैसे नाश नहीं होते जगत। चलो ज्ञान के द्वारा मिथ्यात्व निश्चय हो गया, इसकी सत्यत्व का बाध होना ही इसका विनाश है। इसलिए लोग आजकल डांट कर सत्यनाश को बोलते नहीं हिंदी में, इसका सत्यनाश हो गया। मैंने अब है चीज लेकिन उसकी सत्ता खत्म हो गई, व्यवहार में प्रयोग होते शब्द शब्दावली, इसका सत्यनाश हो गया। मैंने वो रहते हुए भी न रहने के बराबर हो गया। इधर से जगत में जो सत्यत्व है जिसकी वजह से सारा जन्म मरण आदि चक्र दिख रहा है, इस सत्यत्व का बाध के होना ही इस जगत का विनाश है। वही अंतता, वही अंत है, अंतवंत इमे देहा। ज्ञानेन बाधो विनाश विदिते शांते अंतवंतः। कारण एव इमे देहाः, इमे देहा मने शरीरत्रयत्वात् बहुवचनम्। इमे देहा क्यों कहा? कारण शरीर से अलग करने के लिए असत की व्याख्या हो रही थी। कहते हैं वो कारण को शरीर का निषेध के साथ हम कारण शरीरस्थ कार्य शरीरों का भी हम साथ साथ निषेध कर देना चाहते हैं, इसलिए इमे देहा करके बहुवचन प्रयोग कर दिया। तीनों शरीर
ज्ञान की द्वारा बाधित होने योग्य है। जिस दिन आपका अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ये शरीर का बाध हो जाएगा। इसलिए वहां का नत्तम नाहम नवई जगत, न बुद्धि रहेगी न अहंकार रहेगा, न जगत ही रह जाएगा। शरीर ही मैंने, शरीर जिंदा है, भिक्षा कर रहा है, सब कुछ व्यवहार हो रहा है, फिर भी वो नहीं है। क्यों? इसमें सत्यत्व नहीं रह जाता है। जब तक सत्यत्व है तब तक ये सारा चीज है, सत्यत्व नहीं है तो चीज का होते हुए भी वो नहीं है। इमे देहा अंतवंत कस्य इमे देहा नित्यस्य शरीरिणः, नित्य जो शरीर ही है, आत्मा है, उसका ये जो शरीर है ये सब अंतवान है। नित्यस्य शरीरिणः इमे देहाः अंतवन्तः इति उक्ताः, ऐसे कहा है। कौन कहा है? है कौन कहा? उक्ताः कई ही विवेकी भी, विवेकियों के द्वारा का तत्वदर्शी भी, पूर्व में कहा था तत्वदर्शी भी, उसी की तो व्याख्या हो रही है यहां पर। इसे कहते हैं इति उक्ताः, कई ही उक्ताः, तत्वदर्शी भी उक्ताः, विवेकी भी उक्ताः, ऐसा अध्याहार कर लेना पड़ेगा। कहा नहीं है, पूर्व दो श्लोक से पहले कहा हुआ, आपको यहां ग्रहण कर लेना है। तत्वदर्शी भी उक्ताः, और उसी आत्मा का और विशेषण नित्यस्य शरीरण का और विशेषण दे रहे अनाशिनो अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः इमे देहः अंतवन्तीति उक्ताः विवेकिभिः। तस्मात् युध्यस्व हे भारत अप्रमेय। प्रमेय कितने प्रकार के हैं? छह प्रकार के प्रमेय है ना, है कि नहीं? प्रमेय कौन कौन है? छह प्रकार के प्रमेय हो जाते हैं। प्रत्यक्ष का विषय, अनुमान का विषय है ना, अपमान का विषय, शब्द का विषय, अर्थापत्ति का विषय, अनुपलब्धि का विषय, छह प्रमाण है। उन छह प्रमाणों के विषयों को हम छह प्रकार का प्रमेय कहते हैं। और ये जो आत्मा है छह प्रमाणों का विषय न होने से यह जो है अप्रमेय है। कोई कह सकता है महाराज ऐसे कैसे बोल देते हो, ये तो उपनिषद का विषय है ना, तुम तो औपनिषद पुरुषम वेद का है। उपनिषद क्या है? शब्दात्मक है, ऐसे शब्द प्रमाण का विषय वक्त नहीं हुआ, आते हुए अप्रमेय का है, प्रमेय है। नहीं ऐसा नहीं, तंत्र औपनिषद पुरुषम वेद कह दिया है श्रुति ने, औपनिषद नहीं उपनिषदा प्रोक्तम ही थी औपनिषदम। भाई नेति नेति उपनिषद तो बोल रहा है ना, वो भी शब्द ही तो है, फिर शब्द प्रमाण से ज्ञात हुआ तो नहीं बोल रहे, बस ये है मैं। अब देखो वो ना बोले हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन न इसे लक्षित किया किसने, शब्द नहीं तो लक्षित किया तो शब्द प्रमाण विषय हुआ। स्वतः सिद्ध है किसी चीज की जरूरत ही, देखो स्वतः सिद्ध है, कई बातें स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध कहने से नहीं चलता है। स्वतः सिद्ध तो सिर्फ एक होता है। ये स्वतः सिद्ध कौन कहा आपको? श्रुति कह रही है, श्रुति कह रही है, इसलिए आप मान रहे स्वतः सिद्ध है। मैं हूँ ये स्वतः सिद्ध है ना? ये भी मैं इसे किसको लेना है, ये भी असिद्ध है। मैं इसे शरीर कभी पकड़ लेते हो, मैं इसे कभी तो आंख को बोल देते हो, मैं कभी पुत्र को बोल देते हो, मैं इसे कभी धन को बोल देते हो, धन लूट गया तो मैं मर गया बोल देते हो, मैं इसे तो पता नहीं क्या क्या होता है, कौन सा मैं है, यही संशय है। अब इसके विश्रुति में गई बिना व्यवस्था नहीं बनती है। इसे हम भी तीन प्रकार का ना गौण है, यानी मिथ्या अहम है, गौण अहम है और मुख्य अहम है। अब ये सब विवाद खड़ा हो जाता है, इसकी वजह से मैं हूँ उसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब चीज हम जानते ही हैं लोग लोग में। ये तो है, लेकिन ये भी बात हम पहले उपनिषद से ही जाना है। श्रुति अवबोधित न होता तो मैं हूँ और मेरा ये जो जिसकी वजह से मैं हूँ वो असली मैं है, ये बात भी श्रुति से जाने बिना नहीं जान पाए पहले से, नहीं तो हम नहीं जान, नहीं तो सब जन्म से जान लेते,
सभी जन्म से जान लेते, लेकिन कहां जान पा रहे हैं? आपने वेदांत सुना है, श्रुतियों को सुना पढ़ा, तब आपने जान, नहीं तो आप भी कहां पहले से जानते थे? भले स्वप्रकाश है, स्वतः स्फूर्ण है, सब कुछ है, लेकिन उसका पहचान कौन कराया हमें? नहीं तो हम लोग तो गौणाहम और मिथ्याहम में डूबे हुए थे, मुख्य हमको पहचानते ही नहीं थे जो स्वतः सिद्ध है। तो श्रुति ने ही पहचान कराया हमको। इसे का तंतु औपनिषदम पुरुषम वेद आचार्याधि वीता साधिष्ठा भवती। मैंने आचार्य से जानेंगे कैसे? स्वस्थ को क्या जनवाएगा? बोध करा सकता है क्या? तमान भगवान शोक से पारम तारयतु निजन प्रयोग कर रहे नारद जी का मतलब क्या है? श्रुति के द्वारा ही तो होगा ना सारा काम। तो श्रुति के द्वारा जब माने तो शब्द का विषय हो गया, पूर्व पक्ष कहेगा प्रमेय हो गया, वो उसका जवाब देंगे, नहीं हो सकता। हाँ तो वहां हम कहेंगे तब प्रमेय रूप के न रूपेण प्रमेयत्व स्वरूपेण वा पर रूपेण वा स्वतो वा परतो वा प्रमेयत्व, तब कहेंगे भाई स्वधा मानना उसका, परता नहीं। स्वभिन्नत्वेन प्रतीत होना हम षट प्रमाण का विषय मानते हैं, स्वस्वरूपेण प्रतीत होना जो प्रमेयता है वह स्वरूपात्मक प्रमेयता है, वह वास्तव में प्रमाण जन्य प्रमेयता नहीं है। श्रुति एक प्रमाण मान करके तज्जन्य ज्ञान विषय प्रमेत रूपात्मा में हम नहीं मानते हैं, क्योंकि श्रुति अवबोधक मात्र है, जनक नहीं है। ऐसे बार बार बहुत सुंदर भाष्यकार बार क्या कहते हैं, क्या कहा है? कारक और ज्ञापक में अंतर क्या गया? शास्त्रंत ज्ञापकम एव न तो कारकम। उत्पादक प्राप्य आप्य संस्कार किसी प्रकार का चार प्रकार के विकारों में से किसी भी को उत्पन्न कर नहीं सकता, कारक नहीं है वो, ज्ञापक। ज्ञापकत्व देव प्रमाण जन्य जो प्रमेयता, प्रमाण रूपी कारकों से जन्य प्रमेयत्व रूपा विषयता आत्मा में नहीं आ सकता, ये मान लेना है। आएगा टीका में, आएगा देखेंगे, शास्त्रीय नित्वात उठाएंगे ना अप्रमेय से के लिए, शास्त्रीय नित्वात क्यों कहा फिर? है ना, ब्रह्म सूत्र है तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, वहां से दो व्युत्पत्ति के भाष्यकार ने शास्त्रस्य योनि ही इति शास्त्र योनि, शास्त्र का भी जो कारण है ब्रह्म। अस्य महतो भूतस्य निश्चितम यदि तद ऋग्वेद है यजुर्वेद सामवेदतर्वांग्रस इतिहास पुराणम ब्रह्मांड प्रश्न से क्या कहा है? ये जो ब्रह्म है इस श्रुतियों का भी कारण है, शास्त्रस्यापि योनि इति शास्त्र योनि। और दूसरा पक्ष शास्त्र में वो योनि ही प्रमाणम यस सशास्त्र, दो व्युत्पत्ति दोनों तरह से घटाया है, जरूरी है वो, उसके बिना तो फिर तंतु अपन पुरुष वेद बाद हो जाएगा, आचार्य देव विजेता साधिष्ठा भवती ये बाद हो जाएंगे, आचार्यवान पुरुषो वेद मातृवान भवती यथा अवध मातृमान आचार्यवान पितृमान भवती, ये सब जो प्रधान बार बार आता है ये सब बाधित हो जाएंगे। इसे शास्त्रम एव योनि यस्य, ये भी पक्षिष्ठ है, उसे शास्त्र जन्य ज्ञान हो गया ना एक तरह से, तब कहेंगे नहीं जन्य जनक भाव नहीं है, ज्ञाप्य ज्ञापक भाव है। ये मत को शास्त्र जन्य है ये शब्द नहीं, शास्त्र ज्ञाप्य, ये शास्त्र तो ज्ञापकम न तो कारक, जन्य जनक भाव हो तो कार्यकारक भाव में प्रमाण प्रमेय भाव हो जाएगा। जैसे इंद्रिया क्या है? कारक तो है, ये इंद्र रूपी कर्ण कारकों में एक कारक कौन है? कर्ण कारक है, इंद्रियों को हम कर्ण मानते हैं, कर्ण कारक रूप चक्षु के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु रूपी कर्ण ने क्या कर दिया? शब्द रूपी विषय को ग्रहण किया, तज्जन्य प्रमेय आ गया शब्द जन्य ज्ञान में, कारक सापेक्ष हो जाए वह ज्ञान क्या हो जाता है? प्रमेय कोटि में प्रमाण कोटि प्रमाण का विषय बन जाता है। इन वैसा शब्द ही नहीं है, श्रुति शब्द से आप श्रवण जरूर किया गुरुमुख से, फिर आपको अर्थ ज्ञान हुआ, उस ज्ञापन हुआ तत्व का, और उस तत्व जो ज्ञापित हुआ और विषयत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं, स्वरूपत्व ग्रहण करते हैं, ये अंतर है। विषयत्व हो जाए फिर तो ज्ञान जन्य ज्ञानात्मक क्रियाजन्य फलाश्रित आ गया तो कर्मत्व आ जाएगा उसके अंदर, लेकिन उसे न कर्तृत्व न कर्मत्व न करणत्व कोई चीज नहीं,
नचास्य विदिते कार्यम करणमेव च, उसका न कार्य है न करण है। श्वेता शत्रु इसलिए करण का संबंध जोड़ खत्म कर दिया, कार्य तो संबंध भी खत्म कर दिया। नचास्य कश्चित जनिता कह करके कर्तृत्व भी उसका बंध खत्म कर दिया, कर्तृ संबंध भी नहीं बनेगा उसमें। अतएव यहां पर कहा जाता है अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अब यहां पर तीनों शरीरों से प्रत्यात्म बोध करा दिया, अब इसे तुम्हें मोह करने की जरूरत नहीं। तुम जो मार रहे हो शरीरों को मार रहे हो, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता है, वो तो अनाशी अविनाशी है, अनाशी है वो, नित्य है वो। वह शरीर वाला भले है, शरीरों का ये तो अंत वाले हैं, ये तो मारो ना मारो नष्ट होने वाले तो ही हैं। इसे तुम अपना कर्तव्य रूपा युद्ध को जरूर करना। हे भारत, संबोधन है भा मने उक्ता या ब्रह्म विद्या, उक्ता या ब्रह्म विद्या भा तस्मिन्नेव रमणं कुरुत इति भारत। उसमें रमण करो, उसमें अपने सारे प्रतिवृत्तियों को रमण करा दो। इति भारत, भावने ब्रह्म विद्या तस्मिन्नेव बुद्धि बुद्ध्यादि वृत्तिम रमणं कुरुत इति भारत। एतार्षोक्त जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या में अपनी निष्ठा बनाओ और युद्ध लड़ो, ये कहना है। अपना कर्म को त्यागना नहीं, ब्रह्म विद्या निष्ठा जरूर होनी चाहिए। ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठित होने का तात्पर्य नहीं है कि सर्व कर्म त्याग करके बैठ जाना। इसे सर्व कर्म त्याग का तात्पर्य क्या है समझना अलग चीज होता है। सर्व कर्म त्याग माने जो आप संन्यास ग्रहण करते हैं तो सर्व कर्म त्याग है। जिन्हें चोटी त्याग हो गया प्राप्त सर्व कर्म त्याग हो जाता है। जब तक जन्म चोटी है तब तक ब्रह्मनिष्ठा होने पर भी स्वकर्म निरतो भव, अपने कर्म निरत रहना चाहिए। ये आप समझा रहे।